कोई भी सेंटर हो तो वहाँ तीन चीज बहुत इम्पोर्टेंट होता है, एक तो है कि बढ़िया क्लासरूम, बढ़िया खाना और बढ़िया फैकल्टीज। तो मुझे लग रहा है कि ये जो ट्रेनिंग सेंटर है, एग्रो बिजनेस ट्रेनिंग सेंटर है, ग्रामीण किसान ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ सारा कुछ अवेलेबल है, एसी वगैरह लगा हुआ है, सिटिंग अरेंजमेंट्स अच्छी है, रूम्स भी काफी अच्छे हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ पर सब कुछ एक ही जगह में है, क्योंकि जनरली ट्रेनिंग सेंटर्स में क्या होता है कि बस ट्रेनिंग होती है, लेकिन जो लाइव डेमो देखना है, अगर मान लीजिए हम कृष्ण की ट्रेनिंग कर रहे हैं और उससे रिलेटेड कुछ मॉड्यूल देखना, मॉडल देखना है, तो वो यहाँ है प्रेजेंट। यहाँ पर हम पॉइंट भी देख सकते हैं, हम बायोफ्लॉक के सेंट, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे बायोफ्लॉक के टैंक्स बने हुए हैं, तो ये भी है। फार्मर्स के लिए वो बहुत ही मतलब नीडी चीज थी, जो किसानों को क्योंकि मदद इतनी इजिली अवेलेबल नहीं हो पाती और आप लोग अवेलेबल करा रहे हैं, तो इसके लिए मैं खुद से थैंक यू कहना चाहूंगा। आज हमारे साथ एनसीडीसी से श्वेता मैम है। एनसीडीसी बता दूं आपको, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होता है, जो कि एफपीओस बनाते हैं और काफी काफी सारे काम करते हैं। और तुषार जी हैं, ये दोनों एनसीडीसी से ग्रामश्री किसान एग्री बिजनेस सेंटर विजिट करने आए हैं। तो मैम मैं जानना चाहूंगी कि कैसा लगा आपको पहले ये सेंटर, बताइए। ये तो बहुत ही अच्छा लगा हमें और बहुत नया एक्सपीरियंस है कि गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा भी प्राइवेट में इस तरह से डेवलप किया गया है। हम सुबह ही आए हैं और हमें यहाँ पर जो सेंटर है बेसिकली फिशरी फोकस्ड है, मतलब एक तरह से ऐसा सेंटर है जहाँ पे आप बोटरी भी देख सकते हैं, बोरी भी देख सकते हैं, फिशरी भी देख सकते हैं एंड पोल्ट्री भी देख सकते हैं। तो हमने ये सारी चीजों को देखा और यहाँ पर DDU JK की जो कौशल विकास योजना है उसके अंतर्गत भी यहाँ स्टूडेंट्स है जिसके साथ यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। प्रेजेंटली जो ट्रेनिंग चल रही है रिटेल बिजनेस में चल रही है और अगर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमने देखा बहुत ही बढ़िया है और बहुत अच्छा। मुझे ये लगा कि जो हॉस्टल्स है बहुत अच्छे से डिवाइडेड है, गर्ल्स के लिए अलग है, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है और बॉयज के लिए अलग से हॉस्टल्स है। उसके अलावा इनके पास क्लासरूम से जो वेल इक्विप्ड है विद व्हाइट बोर्ड्स एंड एसी वगैरह लगा हुआ है, सिटिंग अरेंजमेंट्स अच्छी है, रूम्स भी काफी अच्छे हैं, बोथ डॉर्मेट्री एंड सिंगल रूम्स का। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ पर सब कुछ एक ही जगह में है, क्योंकि जनरली ट्रेनिंग सेंटर्स में क्या होता है कि बस ट्रेनिंग होती है, लेकिन जो लाइव डेमो देखना है, अगर मान लीजिए हम कृष्ण की ट्रेनिंग कर रहे हैं और उससे रिलेटेड कुछ मॉड्यूल देखना, मॉडल देखना है, तो वो यहाँ है प्रेजेंट। यहाँ पर हम पॉइंट भी देख सकते हैं, हम बायोफ्लॉक के सेंट, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे बायोफ्लॉक के टैंक्स बने हुए हैं, तो ये भी है। साथ ही साथ इनके जो स्टाफ है वो वेल ट्रेन है और एक्सपर्ट्स हैं, इनके पास डॉक्टर्स हैं जो वेटरनरी बैकग्राउंड से हैं, फिशरी एक्सपर्ट्स हैं और अदर मैनेजरियल स्टेटस से भी है। जैसा मैम ने कहा, उसमें ये एक चीज ऐड करना चाहूंगा मैं कि जो थ्योरी के साथ एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी मिल रहा है फार्मर्स को, ये ज्यादातर जगह नहीं मिलता है, तो ये एक तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पर। एंड साथ में एक चीज जो यहाँ पे आपने कॉल सेंटर एस्टेब्लिश कर रखा है फार्मर्स के लिए, वो बहुत ही मतलब नीडी चीज थी, जो किसानों को क्योंकि मदद इतनी इजिली अवेलेबल नहीं हो पाती और आप लोग अवेलेबल करा रहे हैं, तो इसके लिए मैं खुद से थैंक यू कहना चाहूंगा। थैंक यू सर। अब हम खाना कैसा था यहाँ आपका? खाना कैसा है? खाना बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि कहीं भी कोई भी सेंटर हो तो वह तीन चीज बहुत इम्पोर्टेंट होता है, एक तो है कि बढ़िया क्लासरूम, बढ़िया खाना और बढ़िया फैकल्टीज। तो मुझे लग रहा है कि ये जो ट्रेनिंग सेंटर है, एग्रो बिजनेस ट्रेनिंग सेंटर है, ग्रामीण किसान ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ सारा कुछ अवेलेबल है एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट द टीम एंड विश देम ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू मैम। आप लोग यहाँ पर आए, हमारा सेंटर देखा, आपने ट्रेनिंग के लिए रिकमेंड भी कर रही है मैम हमारे सेंटर को। स्कोप ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड हमारा पार्टनर है। सो ग्रामश्री किसान एग्री बिजनेस सेंटर में अभी लोग आ रहे हैं, सारे ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स विजिट कर रहे हैं, एनसीडीसी से, एसएफएससी से, नाबार्ड से भी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो जितने किसान भाई हमारा वीडियो देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि आप भी एक बार जरूर हमारे सेंटर पर आइए, यहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ है और आप अपनी आय को कैसे एनिमल हस्बेंड्री, गाय पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन करके, इंटीग्रेटेड फार्मिंग करके कैसे अपनी आय को
कई गुना बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर जरूर सीखिए। तो आप सबसे अनुरोध है कि एक बार ग्रामीण किसान के एग्री बिजनेस सेंटर में जरूर आइए। हमसे संपर्क करने के लिए हमारे कॉल सेंटर के नंबर्स हैं जो कि नीचे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, या फिर आप डायरेक्टली हमारे एग्री बिजनेस सेंटर में आ सकते हैं जो कि कौशल विकास केंद्र बेटा सरमेरा मेन रोड पे है, सेंट मेरी स्कूल के ऑपोजिट। आप कॉल सेंटर नंबर पे कॉल करके कुछ भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे यहाँ विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।